कितने उनके मार से, कितने उनके मार से मारे भाग गए, कितनों को उन्होंने तलवार से मार डाल, कितनों को अपने दांतों से मार कर दिए। इस प्रकार देवी ने छठ में संपूर्ण देव सेना को नष्ट कर दिया। देख महाप्रत में चंड काली देवी की ओर डबकर मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा कर दी। अनेक उसने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चल गए बाणों चक्र देवी के मुख ने प्रवेश कर इस प्रकार दिख रहे थे जैसे बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उनके मुख दांतों की पंक्ति से उन्होंने तलवार में हाथ में लेकर चंड को मरोदे किंतु देवी ने क्रोध सुने भरे हुए उसे भी तलवार से यमलोक पहुँचाए। चंद्र ने दोनों को मरवा देकर उनकी बची हुई सेना वहाँ से भाग ली। उसके पहले काली चंद और मुंड के कटे सिर को लेकर चंडिया के पास गई और प्रचंड और टास के सरकार है देवी चंद्र मुंड दोनों दो महादेवों को मार कर मैंने तुम्हारी भेंट कर दी। अब चंड अब शुभ और अनुशुभ कहा तुमको संवध कर ले। महर्षि मेदन ने कहा वहाँ लाए हुए चंड और मुंड के सूर्य को देखकर कहा ज्ञान में माँ चंडी ने काली समुद्र बैठ कर देवी आप चूंकि चंद मुंड को वो मेरे पास लगा संसार में चामुंडा नाम से आपकी ख्याति होगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का पाठ पूरा हो गया। पाठ पूरा करने के बाद जल्द से जल्द काजू वजू का व्यवस्था किया जाए, काजू खाया जाए। 1 2 3 4 5 ये 5 काजू थोड़े से लौकी के बीज खाता हूँ मैं, एंटीऑक्सीडेंट। देख सकते हैं यहाँ पर काजू है, यहाँ पर थोड़ा सा लौकी का बीज है और क्या बस इतना ही है। और पतंजलि का एक दो टैबलेट खाता हूँ मैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों मिलते हैं। थोड़ा सा मेरा बाल झड़ा हुआ है लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा, इसीलिए हम बाल छिलवाएंगे दोस्तों। बाल झड़ रहा है क्या करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, बहुत आज काम है, छाती वर्ती वर्ती सब भरवाना है, तो चलिए मिलते हैं।